वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना महताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली महताब वर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो यही रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने परिंदों का अपडेट देना चाह रहा हूँ और मैंने आप लोगों को 6 अंडों पर वीडियो दिखाई थी और 7वां अंडा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ीमेल तितरी ने ले कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ीमेल को आज तीसरा दिन है, कुरुक पर भी बैठ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से एग्स की जो कैंडलिंग है वो मेरी तितरी ने स्टार्ट कर दी है। तितरों की तितरी प्रॉपर तरीके से जो है ना अपना कुरुक पे बैठी हुई है और आप दोस्तों को वीडियो आज की जो है ना अपलोड करके शेयर करने का मकसद जो है मेरा वो इतना है कि यार, आप अपने परिंदों को जब भी ब्रीडिंग के लिए छोड़ते हैं तो फीमेल जब अंडे देती है या कुरुक होती है तो आप किसी कवर एरिया में जो है ना अपने परिंदों के लिए सेटअप बनाएं ताकि आपकी जो फीमेल तितरी है वो कवर एरिया में रहे और आने जाने वाले किसी भी शख्स को, किसी भी अफराद को, किसी भी जानवर को, किसी भी चीज़ को देख ना पाए। देखेगी तो उससे क्या होगा कि फीमेल डिस्टर्ब होगी, फीमेल डरेगी और फीमेल जो है ना अपने अंडों से उठेगी, अंडों को हवा लगेगी तो मतलब हैचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जब आपके चिक्स निकलेंगे तो उसकी जर्मिनेशन की जो पॉइंट होंगे ना वो कम से कम होंगे। अगर आप अपनी फीमेल को कवर एरिया में रखते हैं, छुपा के ढका के रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एग्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, एग्स में से चिक्स निकलने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैंने अपने परिंदों के लिए घोंसला बनाया हुआ है, किस तरह मैंने अपने परिंदों के लिए जो है ना फीमेल तितरी को कुरुक पर बिठाया हुआ है, तमाम तर चीज़ें। अब मेरे पास ये एक छोटा सा पिंजरा है और ये मैंने डबल केज रखा हुआ है, ठीक है। डबल केज को मैं ये हटा रहा हूँ और ये अंदर आप फीमेल तितरी को देखें पहले, फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये आपने देख लिया फीमेल तितरी किस तरह अंडों के ऊपर बैठी हुई है प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का कोई तितरी को खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है तितरी को और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सुकून से अंडों के ऊपर बैठी हुई है। 7 अंडे देने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है और फीमेल तितरी जो है वो कुरुक पर बैठ चुकी है। अपडेट देना चाह रहा था, अपडेट आप लोगों को दे दी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि तितरी को हवा कब देनी है, आज़ादी कब देनी है। भाई क्या होगा कि आपकी फ़ीमेल तितरी जब खुद एग से उठेगी ना, उस सूरत में आपने अपनी परिंदों को, अपनी तितरों को उस सूरत में आपने जो है ना आज़ादी देनी है जब आपकी फ़ीमेल अंडों से खुद उठे। आपने अंडों से उठाना नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको तितरी दिखाई तो ये नहीं है कि आपने फ़ीमेल को उठा के बोलना है कि जी आप आओ बाहर घूमो फिरो, नहीं। आपने खुडे के अंदर दाना पानी रख देना है, वो खुद उठेगी, खाएगी, पिएगी। बड़ा खुडा अक्सर इसीलिए दोस्त कहते हैं, शौकीन हज़रात आप लोगों को सजेस्ट करते हैं ताकि आप आज़ादी के लिए जो है ना खुद मतलब अपने परिंदे को ना उठाएं, परिंदा खुद ब खुद उठे और अपनी आज़ादी का मज़ा ले, मिट्टी में खेले कूदे और दोबारा अपने अंडों पर जाकर बैठ जाए, इस वजह से बड़ा खुडा होता है। लेकिन मेरी जो फ़ीमेल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सेट है, शाम को 4 बजे फिक्स 4 बजे जो है ना फीमेल अंडों से उठती है और इस डबल केज की तरफ, क्योंकि ये बीच में मैंने गेट खोला हुआ है ना, तो ये गेट देखें तो इसके अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ तो यहाँ पे मेरी जैसे ही नज़र पड़ती है फ़ीमेल इस केज के अंदर आई है तो मैं प्रॉपर तरीके से फ़ीमेल को बाहर निकालता हूँ और मिट्टी वगैरह दिखाता हूँ, घुमाता फिराता हूँ। जैसे ही फ़ीमेल घूम फिर के थक जाती है, अपने हिसाब से इंजॉय करके प्रॉपर आज़ाद होती है तो ऑटोमेटिकली फ़ीमेल अंदर केज के आती है, खुद ब खुद अंडों के ऊपर आके बैठ जाती है और मेल को इस पिंजरे के अंदर रख के दोबारा मैं इसी तरह रख देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें अपने परिंदों को प्राइवेसी दें, जितनी प्राइवेसी देंगे उतनी अच्छी ब्रीड आएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त महताब अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।